हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीतास लाइव। और मैं हूँ संगीता। आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने कॉलेज को बता दी थी। और मेरे इन लॉज ना चले गए अपने घर, रांची चले गए। और इन लॉज जाने के बाद 4-5 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। ये ब्लॉगिंग मेरा 4-5 दिन बाद का है, तो मैं 4-5 दिन गैप कर दी थी। क्योंकि मेरा ना उन लोग जाने के बाद मेरे को ना बहुत ज़्यादा बोले नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो मेरे को ना फीवर भी हो गया है उन लोग जाने के बाद। तो अभी मैं ठीक हूँ बोल के मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा भी हो गया है और पता नहीं किस लिए मुझे फीवर भी होने लगा था। तो उसके बाद ना फीवर होने के बाद ना फिर मन नहीं करता है जो मैं ऐसे कुछ करूँ, क्योंकि बोलने का मन भी नहीं करता है। और 2-4 दिन अगर ब्लॉगिंग ना करो ना, आदत छूट जाती है, आपको करने का इच्छा ही नहीं होता, मन ही नहीं करता है जो कैमरा उठा के बात करो, एकदम नहीं इच्छा होती है। तो अब मैं एकदम मतलब घर में काम ऐसा लग रहा है एकदम कम हो गया है उन लोग जाने के बाद। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और उनको नाश्ता वगैरह और लंच वगैरह बना के मैंने दे दिया है। और मैं अभी ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए देख रहे ना मैंने कैप वगैरह लगा लिए हैं एकदम। और ये वाला घूंटी बड़ा बहुत अच्छा है, बहुत गर्म भी करता था, कैप है ना इसमें। और मैंने गर्म पानी पी रही हूँ, देखिए यहाँ पे गर्म पानी लेके आई हूँ बड़ा ग्लास में। एक ग्लास मैंने गर्म पानी पी चुके हैं, एक ग्लास मैं अभी पीऊँगी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे बस थोड़ा सा अपने लिए लंच बनाऊंगी। मैंने आज लिया है रोटी, मेरे हस्बैंड के लिए पराठा बना के दिए थे, मैं अपने लिए रोटी और भुजिया थोड़ा सा है, वही थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर मैं बनाऊंगी। अभी लंच वगैरह भी बनाना है। मैं ब्रेकफास्ट में एक ही रोटी खाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं हुडी पहनी थी ना, मैं उसको खोल दी हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा काम करने में अनकंफर्टेबल लगता है मेरे को। और मैंने ये हाफ स्वेटर पहन लिया है, तो ठीक है हाफ स्वेटर। ये हाफ स्वेटर ने मेरी मॉम ने बना के दी थी, बहुत सुंदर है ना, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है, मास्टर ही वोलो है। ये हाफ स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सरसों का पेस्ट बना लिया है, आलू काट लिया है, और ये जो फिश है ना, फिश में मैं हल्दी और नमक मिलाऊंगी। और कढ़ाई मैंने रख दिया है और इसमें डालना है, ये है फिश, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये है ना, ये है जो बोले थे ना बांस पत्ता वाला फिश, ये है बांस पत्ता वाला फिश। और ये है चारा पुना, मतलब जो रूहू फिश का छोटा वाला है, इसको चारा पुना बोलते हैं। और ये बांस पत्ता वाला फिश मैंने इतना ही फिश बनाऊंगी, इसका मैं फ्राई बनाऊंगी। और इसको मैं आलू देके और मास्टर सिर्स देके इसका जो चौचड़ी बोलता है वो मैं बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं इतना ही ली हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही खाऊंगी, इसका तो फ्राई हो जाएगा। और मैं इतना ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है, तो मुझे अकेले खाना है, इसीलिए मैं इतना ही बनाऊंगी। करी के लिए करते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा कड़क करना है। और हमने जो आमतौर पर जो नमक डालते हैं ना इसे फिश फ्राई करने के लिए, मतलब करी बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें नमक जाता है, जो खाने में अच्छा लगता है। कोई तो इसमें मिर्चा पाउडर भी डालते हैं, बट मैं मिर्चा पाउडर नहीं डालूंगी, मैं बस इतना सा ज्यादा नमक इसमें डालेंगे, तो ये क्या बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी बनेगा और मतलब टेस्टी लगता है। हल्का सा ज्यादा बस इसके ऊपर हमने डाल दिया है,
और ऑयल में नमक आ गया है, बस इसको चारों तरफ इस तरह से, और इसको ना मतलब इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको फ्राई करना है। इसे प्रेस करेंगे ना, इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और ये एकदम अच्छा से फ्राई हो जाएगा। इसमें मॉइस्चर अगर रहता है और धप धप करता है ना, तो ये खाने में नहीं अच्छा लगता। फिश फ्राई में एकदम मॉइस्चर निकल जाना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। बहुत लोग डीप फ्राई भी करते हैं, बट मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे शैलो फ्राई अच्छा लगता है। इसमें ऑयल भी ज़्यादा लगता है यार, कोई मतलब फिर ऑयल वेस्ट होगा, ये ऑयल को मैं कहाँ रखूँगी, इसीलिए ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दबा दबा के फ्राई कर लेना है। इधर देखिए फिश फ्राई मेरा हो गया है, बस ये एकदम क्रंची हो गया है। ये देखिए एकदम इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब इसी में ही मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके बाकी फिश को फ्राई कर लूंगी। ये पतला पतला पीस है ना, तो बहुत टाइम नहीं लगता है, थोड़ा टाइम बाद इसको पलट देंगे, बहुत जल्दी ये हो जाता है, क्योंकि एकदम पतला पीस है, बच्चा बच्चा पीस है एकदम, और बहुत पतला है, थोड़ा टाइम बाद ये हो जाएगा, 2 मिनट बाद। बहुत लोग है ना फिश को कम फ्राई करके खाते हैं, मतलब फिश का ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। मुझे फिश का फ्राई बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। लगता है लाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मेरा चेहरे में वाइट वाइट आ रहा है, लेकिन ये कढ़ाई के लिए ठीक है, कढ़ाई में दिखेगा बोल के मैंने ऐसे किया, लाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि अभी ना ठंडा है ना, तो मैंने खिड़की वगैरह थोड़ा ओपन रखी हूँ। अब इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा और ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे कलुंजी। बस इसे अच्छे से खुशबू जब निकाला है, इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का अनियन और हरी मिर्च। देखिए अनियन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें आलू ऐड किया है। देखिए 2-3 मिनट बाद आलू ऐसे चला लिए हैं, 2-3 मिनट बाद देखिए इसमें थोड़ा सा पानी पानी हो गया था, वो सूख गया है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक नमक उस हिसाब से देना है, क्योंकि मैंने फिश में भी डाले हैं नमक। और इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं एक छोटी मछली का चचोड़ी बना रही हूँ, तो इसमें ना बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाता है। इसमें मास्टर शेफ देके बना रही हूँ, तो मास्टर शेफ का ना फ्लेवर आना चाहिए, इसीलिए बाकी कोई मसाले नहीं डालूंगी। एक 2 मिनट ऐसे हम चला लेंगे।
ये देखिए इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम फिश। और हम इसमें ये जो मास्टर सीड्स था इसको मैं ऐड कर दूंगी। मास्टर सीड्स में पहले नहीं ऐड करते नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। देंगे आलू बॉईल हो जाएगा। ये देखिए एकदम इसका कम हो गया है ग्रेवी। अब इसे हम धनिया पत्ता डाल देंगे। सॉरी गैस मैंने बंद कर दिया है। मैं धनिया पत्ता ऐड किया और लास्ट में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे गैस बंद करने के बाद। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये है आज का हमारा लंच, फिश फ्राई और ये है वेजिटेबल फ्राई और माछे चचोड़ी। हो गया मेरा लंच, लंच कंप्लीट हो गया है। मेरा ब्लॉग आई थिंक बहुत बड़ा हो गया होगा। और लंच ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा सा दूसरा काम करूँगी मेरा कुकिंग चैनल के लिए। तो यहीं पे मेरा ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ और एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।